गाइज अभी रिसेंटली सीबीआई ने इशू की एक सीरीज ऑफ जिसमें से कि एक नोटिफिकेशन है 14 by 2021 जहां पर ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात हुई है काफी सारी ड्यू डेट एक्सटेंड की हुई है सो so, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 14 था वन गाइज इसके अलावा बाकी जो नोटिफिकेशन है 8 से लेकर के 13 उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है ऊपर आई बटन पर जाके आप चेक कर सकते हो हे hey गाइस मैं हूं विवेक फ्रॉम प्रो जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की एंड विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट सो इस नोटिफिकेशन पे जाने से पहले चलिए आपको कुछ सेक्शन बताता हूं सबसे पहले जो समझना बहुत जरूरी है बिफोर बिफोर गोइंग अंडरस्टैंडिंग दैट नोटिफिकेशन सबसे पहला जो हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 168 ए सीजीएसटी के अंदर ये वाला सेक्शन है जो कि लास्ट ईयर पैंडेमिक की, की वजह से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए ये वाला सेक्शन आया था पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस और जिसके अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली सर्कमस्टानसेज होते हैं पैंडेमिक वगैरह कोरोना वगैरह उसकी वजह से लास्ट ईयर ही ये वाला सेक्शन एड किया गया था वन ए

इन तीन so के के बाद अब चलते हैं सीधा ऊपर। so, हमारी 14 by 2021. Recently अभी ये फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को नोटिफिकेशन आई है जहां पर गवर्नमेंट ने इन तीनों सेक्शन का यूज किया है सेक्शन नंबर वन सिक्सटी एट एफ सी जी एस टी का यूज किया है दूसरा सेक्शन हमारा यहाँ पर है सेक्शन नंबर ट्वेंटी आई जी एस टी जहां पर जी के जो बेसिक प्रोविजन है वो हमारे आई के ऊपर लगते हैं ये हमारा सेकंड पॉइंट है एंड हमारा थर्ड पॉइंट है यू टी का सेक्शन नंबर 21 इन तीनों सेक्शंस को साथ में लेकर के गवर्नमेंट ने बोला है कि ड्यू टू स्प्रेड ऑफ ऑफ कोविड 19 अक्रॉस मेनी पार्ट इंडिया द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल यहां पर कुछ डेट्स एक्सटेंड की है कौन कौन सी हेर बाय नोटिफाइड एज अंडर और क्या नोटिफाई किया हुआ इसको बहुत ही ध्यान से समझना वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर

पीरियड के अंदर उसका कंप्लाई नहीं होता है सो so उसकी डेट एक्सटेंड कर दिए शैल बी एक्सटेंडेड अप टू 31st डे ऑफ मई 2021 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस सो so इस पूरे लॉ के अंदर सीजीएसटी के अंदर आईजीएसटी के अंदर यूटी जीएसटी के अंदर कोई कंप्लायंस अभी तक पढ़ने पर हम कोई पता चल है कि अभी तक कोई भी कंप्लाइंस आपका इस पीरियड के अंदर फॉल कर रहा है तो उसके ड्यू डेट को इन्होंने बढ़ा करके कितना कर दिया है थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कर दिया गया है और यहां पर फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ इंक्लूजन यहां पर बोला इंक्लूडिंग ऑफ द पर्पज यहां पर क्या है, क्या इंक्लूड किया है कंप्लाइंस यहां पर दो चीजें यहां पर इंक्लूड की हैं डिपार्टमेंट ने एक ये है दूसरा यह है पहला है गवर्नमेंट के लिए यानी डिपार्टमेंट के लिए दूसरा है हमारा टैक्स पेयर जो होता है उसके लिए सो गवर्नमेंट के पार्ट पर बोला हुआ है कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस नोटिस कोई इंटीमेशन देना है कोई नोटिफिकेशन है सेंक्शन है अप्रूवल है और सच अदर एक्शन बाय बाय वट नेम्स कॉल्ड बाय एनी अथॉरिटी कमिश्नरेट एक्ट है उसके अंदर इन तीनों में से अथॉरिटी कमिश्नर ट्रिब्यूनल में से किसी को भी कोई नोटिस इंटीमेशन नोटिफिकेशन सेंशन अप्रूवल देना है जो कि फॉल करता है उस पीरियड के अंदर जिसकी ड्यू डेट जिसका कंप्लाइंस की ड्यू डेट फॉल करती है इस पीरियड के अंदर कौन से पीरियड के अंदर फिफ्टीन अप्रैल से थर्टी मे तक उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है थर्टी मे के लिए टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट दिया हुआ है कि फाइलिंग ऑफ एनी अपील कोई अपील करनी है कोई रिप्लाई करना है कोई एप्लीकेशन और ए, कोई कोई रिपोर्ट फर्निश करनी है डॉक्यूमेंट फर्निश करना है कोई रिटर्न फर्निश करनी है स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड अब यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि रिटर्न की बात हुई है डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है स्टेटमेंट्स की बात हुई है तो क्या ये जीएसटीआर थ्री बी जीएसटीआर वन जीएसटीआर जीएसटी और बाकी हमारी जो रिटर्न होती है क्या यहां पर वो वाली बोली हुई है सो so, उनके लिए नहीं है देखिए उनके लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी निकाली हुई है एट से लेकर के थर्टीन को आप पढ़ोगे वहां पर जीएसटीआर वन नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए कंपोजिट वालों के लिए वहां पर डील किया हुआ है उसके अलावा आईएसडी वालों के लिए जो रिटर्न जाती है टीसीएस की रिटर्न जीएसटीआर आर एट जीएसटी आर फाइव सिक्स सेवन एट जो होती है उसकी बात यहां पर की हुई है अभी नीचे डिस्कस करेंगे हम इसको भी कि उसकी ड्यू डेट अब क्या होगी सो so, उसकी ड्यू ड्यूडेट ऑब्वियसली जो ऊपर नोटिफिकेशन के अंदर फॉल नहीं हुई है उनकी ड्यू डेट जो है वो थर्टी फर्स्ट हो चुकी है बाकी जीएसटी आर वन जीएसटी आर की जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है कि उनकी ड्यू डेट क्या है लेट फीस जो है उसको वेव किया है इंटरेस्ट की जो पेनल्टी होती है उसको वेव किया है सेक्शन फिफ्टी वाली ऊपर आई बटन में आप वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो यहां पर इन्होंने रिटर्न की बात करी है जो उन रिटर्न के उन नोटिफिकेशन के अलावा जो रिटर्न बचती है जो स्टेटमेंट बचती है जो कि आपको फर्निश करनी है

इन वाले के ऊपर अप्लाई नहीं होगी डेट एक्सटेंशन कौन कौन से वो सेक्शन है उनको जरा ध्यान से समझते हैं so guys, ये सेक्शन अब आप आपको मैं समझाता हूं एक एक करके ये सेक्शन इन सेक्शन के अंदर इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं ध्यान से देखिए पहले हमारा आता है चैप्टर नंबर फोर चैप्टर जो होता है वो टाइम एंड वैल्यू ऑफ ऑफ्लाइट चैप्टर फोर ऑफ सी जी एस टी एक्ट जो टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है उसके लिए कोई भी एक्सटेंशन नहीं है जो की डेट होती है टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई जो निकलता है सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होती है वो आपके चैप्टर फोर उसके लिए कोई भी एक्सटेंशन नहीं है उसके बाद सेक्शन नंबर टेन थ्री जहां पर सेशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम अगर आपकी टर्न ओवर एक्सीड कर जाती है प्रिस्क्राइब लिमिट से तो आप कंपोजिशन सेक्शन टेन कंपोजिशन स्कीम के लिए होता है सो so, आपका वह, वहां से जो है कंपोजिशन स्कीम आपकी ओवर हो जाएगी अगर आपकी टर्न ओवर एक्सीड कर जाती है तो इसके लिए भी एक्सटेंशन नहीं दी है सेक्शन ट्वेंटी फाइव जीएसटी का जो प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है सेक्शन ट्वेंटी फाइव में दिया हुआ है वहां पर भी कोई एक्सटेंशन नहीं है सेक्शन ट्वेंटी सेवन प्रोसीजर एंड कंप्लाइंस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के इन दोनों के जो कंप्लाइंस के जो प्रोसीजर है सेक्शन ट्वेंटी में दिए हुए हैं वहां पर कोई भी डेट एक्सटेंशन की बात नहीं है सेक्शन थर्टी टैक्स इन्वॉइस तो वो रेगुलर तरीके से इशू होगा वहाँ पर भी कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है सेक्शन 37 सेवन यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सेक्शन 37 के लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू की हुई है सेक्शन 37 बेसिकली हमारा जीएसटी आर फाइलिंग के लिए होता है जीएसटी so, सप्लाई की जो डिटेल जाती है इसकी ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ नोटिफिकेशन ट्व थाउजेंड ट्वेंटी वन में इसलिए यहां से एक्सक्लूड किया जा रहा है आप ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो कि नोटिफिकेशन नंबर फोर्टीन सेक्शन थर्टी सेवन को एक्सक्लूड करने का रीजन क्या है क्योंकि सेक्शन थर्टी सेवन जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वहां पर लेट फीस वेवर दे दिया है डिफरेंट नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन नंबर ट्वेल्व बाय टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के अंदर जिसको मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था सेक्शन फोर्टी सेवन लेट फीस का जो वेवर है

8 से लेकर के 14, 8 टू 13 मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है 14 को आज हम कवर कर रहे हैं सो so, इसीलिए 14 में से हटाया है क्योंकि वो ऑलरेडी 8 बाय 2021 के अंदर कवर हो रखा है सेक्शन 69 में कोई एक्सटेंशन नहीं है पावर टू अरेस्ट होती है डिपार्टमेंट के पास ऑफिसर्स के पास सेक्शन नंबर 90 जो होता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को टैक्स पे करना होता है तो लाइबिलिटी की पार्टनर लाइबिलिटी पार्टनर की लाइबिलिटी कुछ बोलता बोलता बोल रहा हूं मैं पार्टनर की लाइबिलिटी आती है तो so, सेक्शन 19 जो है वहां पर भी पार्टनर्स पर जब लाइबिलिटी आएगी तो वहां पर कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है सेक्शन 122 हमारा सभी जानते हैं पेनल्टी ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस पेनल्टी का जो सेक्शन है वो 122 है सेक्शन 129 है डिटेंशन सीजन एंड रिलीज ऑफ गुड एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट सो सेक्शन 129 के अंदर भी गई कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी हुई है उसके बाद सेक्शन 39 के अंदर भी कुछ प्रोविजंस को एक्सक्लूड किया है कुछ प्रोविजंस को एक्सक्लूड नहीं किया है अब यहां पर बहुत ही ध्यान से पॉइंट समझना आप अगर यहां पर चेक करोगे नोटिफिकेशन के अंदर तो मैं आपको दिखा देता हूं यह पॉइंट पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया दूसरा पॉइंट हमने कवर कर लिया ये सारे सेक्शन मैंने आपको डिस्कस कर लिए सेक्शन नंबर थर्टी नाइन एक्सेप्ट सब सेक्शन थ्री फोर एंड फाइव यहां से आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है मैं आपको अपने एनालिसिस समझा देता हूं सेक्शन नंबर थर्टी नाइन जो हमारा होता है वो GSTR 3B फाइलिंग के लिए होता है और उसके साथ साथ आपकी आई की रिटर्न वहीं जाती है TDS रिटर्न वहीं जाती है TCS रिटर्न ई e कॉमर्स ऑपरेटर वहीं फाइल करता है उसके अलावा हमारी आई वाली के साथ साथ जो कंपोजिट सप्लायर के के लिए होती है CMP08, वो भी सेक्शन अंदर ही कवर होती है सो so, गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑलरेडी काफी सारी नोटिफिकेशन जो एट से लेकर 13 के अंदर उनको कवर कर लिया था सेक्शन थर्टी नाइन वन जो रेगुलर होते हैं और उसका जो प्रोविजो होता है क्यूआरएम वाला उसको उन्होंने ऊपर कवर कर दिया उसके लिए वेवर ऑलरेडी दे दिया था सेक्शन सबसे टू जो होता है सेक्शन थर्टी नाइन का ये देखिए यहां पर वो भी ऑलरेडी नोटिफिकेशन नंबर नाइन बाई टू के अंदर कवर कर दिया था सब सेक्शन टू जो होता है वो कंपोजिट सप्लायर के लिए होती है तो वो ऑलरेडी कवर कर दिया था एंड ये वाले जो तीन है सबसेक्शन थ्री सबसेक्शन फोर एंड सेक्शन नंबर थर्टी नाइन की तीन है, उन्होंने यहां पर लिखी है ध्यान से देखो अब एक्सेप्ट uh, इन तीनों को छोड़ करके यानी ये तीनों जो है, इनके लिए ड्यू डेट क्या होगी May, जो कि बताई अगर थर्टी नाइन के लेकर बीच में उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया है सेक्शन थ्री फोर और फाइव को इनकॉर्पोरेट कर दिया यहां अंदर उससे रेस्ट जो सेक्शन बचे सेक्शन नंबर सिक्स से लेकर सॉरी सेक्शन बचे हैं सबसे लेकर सब सेक्शन 10 तक जो है वो स, वो सारे जो है वो इस एक्सेप्शन के अंदर कवर है इसका मतलब उन सब के ऊपर जो है वो कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है बाकी 39 के सब 5 तक सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन के अंदर कवर कर लिए हैं ठीक है सो so, uh, 39 3 जो है 39 3 हमारी टीडीएस की रिटर्न होती है एक्सेंड करोटिफिकेशन कर अच्छा, तो पड़ी कि जो भी आपका उस पीरियड के अंदर पड़ रहा है 15th से लेकर तो उसके लिए थर्टी फर्स्ट मे टू थाउंडी वन आपकी ड्यू डेट हो जाएगी सेकंडी नाइन के अंदर आपको आई रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटीआर आर सिक्स फाइल करनी होती है इसकी ड्यू डेट थर्टीथ मे जिसको कि एक्सटेंड करके थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कर दिया गया है नेक्स्ट हमारी थर्टी नाइन फाइव के अंदर आप रिटर्न बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं जीएसटी फाइल करनी होती है उनको सो उनके लिए थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो है वो उनके लिए डेट कर दी गई है एंड रेस्ट जो है है सब सेक्शन हमारे से तक वो इस एक्सेप्शन के अंदर कवर यानी उनके लिए कोई भी डेट एक्सटेंशन अगर उसमें कहीं दी हुई है तो नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 68 इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट जो होता है उसको जरा अपनी नोटिफिकेशन से ही कवर कर लेते हैं सेक्शन नंबर 68 इन सो फार एज ई वे बिल इज कंसर्न उससे रिलेटेड जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स में तो ऑफिसर जो है ई वे बिल वगैरह आपका चेक कर सकता है एंड लास्ट है इससे रिलेटेड जो सारे पॉइंट हमने पढ़े ना क्लॉज डी तक जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं रिस्पेक्टिव जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हैं उसके अंदर भी ये सारे अमेंडमेंट uh, जो है आ जाएंगी वहां पर भी डेट एक्सटेंशन जो है कंसिडर किया जाएगा एंड गाइज ये सेक्शन समझने के बाद अब हमको एक चीज समझ में आ गई कि अभी तक जो हमने समझा अगर हमारी ड्यू डेट फॉल कर रही है फिफ्टींथ अप्रैल से लेकर के थर्टीन मे तक तो उसकी ड्यू थर्टी फर्स्ट मई हो जाएगी ये बोलता है नोटिफिकेशन नंबर फोर्टीन बाई टू लेकिन कुछ सिचुएशन में कुछ एक्सेप्शन इन्होंने यहां पर दे दी उसमें से एक एक्सेप्शन तो ये है कि जो सेक्शन इन्होंने कवर कर लिए लिएट से थर्टींथ नोटिफिकेशन तक उसको यहां से एक्सक्लूड कर दिया उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो पावर्स होती हैं उन वो वाले जो सेक्शन हैं उनको यहां से इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया इसके अलावा एक प्रोविजो दिया हुआ है उसको समझते हैं प्रोवाइडेड दैट यहां पे एक प्रोविजो एड किया है प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन बाय द अथॉरिटी और बाय द पर्सन यहां पर दोनों की बात की जा रही है अथॉरिटी डिपार्टमेंट की बात भी है और टैक्स पेयर पर्सन के अंदर टैक्स पेयर कवर हो जाएगा स्पेसिफाइड इन और प्रिस्क्राइब और नोटिफाई अंडर रूल नंबर नाइन रूल नंबर नाइन क्या होता है बेसिकली रूल नंबर के अंदर डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट को क्या देना होता है वेरीफाई करना होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन रूल नंबर के अंदर एक एप्लीकेंट को अपनी एप्लीकेशन फाइल मूव करनी होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन होती है रजिस्ट्रेशन में तो वैसे ही आजकल कांड चल रहे हैं आजकल हो ही नहीं रहा है रजिस्ट्रेशन तो सेक्शन रूल नंबर एट के अंदर आप एप्लीकेशन मूव करते हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रूल नंबर नाइन में डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है अप्रूव करता है या फिर शो शोकॉज नोटिस भेजता है ऑब्वियसली आजकल तो शो शोकॉज नोटिस ज्यादा आ रहे हैं सो उसकी जो ड्यू डेट है उसकी जो ड्यू डेट है जो रूल नंबर नाइन में डिफाइन की हुई है इन्होंने बोला है कि फॉल ड्यूरिंग द पीरियड अगर वो ड्यू डेट फॉल हो रही है आपकी अब यहां पर ध्यान से देखो फॉल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मे टू थर्टी फर्स्ट उेंड 2021 अगर इस पीरियड के बीच में वो ड्यू डेट फॉल हो रही है एंड वेयर कंप्लाइंस ऑफ सच हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम और उसके अंदर कंप्लाइंस नहीं किया है मतलब तो बोलना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट छुट्टी पे नहीं है काम तो कर ही रहा है तो अगर कंप्लाइंस नहीं करते हैं तो उस केस में ड्यू ड्यूडेट आपकी कितनी हो जाएगी फिफ्टीन ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये प्रोविजन इसलिए एड किया क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज ना इसको सिंपली यहाँ डालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ऊपर डाल देते लेकिन क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इनको थोड़े से ज्यादा देने थे ऊपर जो हमने अभी पढ़ के आए हैं वहां पर थर्टी फर्स्ट मे था यहाँ पर इन्होंने जो उसके लिए एक्सटेंशन दिया वो कब तक दिया है जून टू यानी रूल नाइन डिपार्टमेंट के पास पावर है अपने पास तो वैसे भी टाइम ज्यादा ही रखेंगे वो फैन टैक्स फेयर के पास कम रखो अपने पास ज्यादा रखो सो so, उनके लिए फिफ्टींथ जून तो थाउजेंड नोटिफिकेशन का हमने एक पार्ट गाइज कवर किया नोटिफिकेशन का एक पार्ट हमने कवर कर लिया है सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट जहां पर जो ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात की हुई थी थर्टी फर्स्ट मे तक है और एक रूल नंबर नाइन के लिए फिफ्टीन जून तक इन्होंने कर दिया है डेस्ट एक्सटेंशन एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट है वो रिफंड से रिलेटेड है सेकेंड पार्ट जो रिफंड से रिलेटेड है इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं सो इन केस इन केस वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम आपका रिफंड क्लेम अगर रिजेक्ट हुआ है सो so हमारा सबसे फाइव ऑफ रूल नंबर फिफ्टी फोर क्या बोलता है कि वो आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया है एक जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी ने जीएसटी लॉ के अंदर वो प्रोवाइड किया हुआ है प्रोविजन उसके अंदर वो पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा सो so वहां पर क्या करना होता है शन के अंदर एक ये सबसे दिख रहा है यहां पर ऑफिसर को ऑर्डर पास करना होता है कौन से सबसेक्शन फाइव के अंदर जो उन्होंने डिटरमिन किया है अमाउंट जो रिजेक्ट किया है अमाउंट यहां पर तो बेसिकली रिजेक्शन की बात हो रही है वैसे वहां पर अप्रूवल भी हो सकती है और रिजेक्शन भी हो सकती है सबसेक्शन फाइव के अंदर सो so, जो अमाउंट रिजेक्ट हुआ है जो अमाउंट यहां पर आपका रिजेक्ट हुआ है रिजेक्ट के लिए 5 के अंदर वो डिटरमिन होगी अमाउंट और उसका ऑर्डर के अंदर दोनों को कंबाइन रीडिंग करके सेक्शन फिफ्टी फोर की सो ऑर्डर पास करने की जो डेट है आपको ऑर्डर पास करना है ऑफिसर को ऑर्डर पास करना है सबसेक्शन सेवन के अंदर वो इस पीरियड के अंदर फॉल कर रहा है फिफ्टीन अप्रैल से लेकर थर्टी मई तक सो इन सच केस द टाइम लिमिट फॉर ऑफ सेट ऑर्डर हैज बीन एक्सटेंडेड टू कितने दिन की एक्सटेंशन दे दिए फिफ्टी डेज फ्रॉम द डेट

लेटर सो so, पर जो रिजेक्शन हुई है रिजेक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग जो टैक्सपेयर ने जो पर्सन ने ने रिप्लाई किया है उस के 15 में या फिर थर्टी फर्स्ट में विच एवर इज लेटर दोनों में से जो भी लेटर हो रहा है सो so, वो एक्सटेंशन यहां पर दी हुई है डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को थोड़ा सा बेनिफिट यहां पर दिया हुआ है उनके लिए यहां पर डेट एक्सटेंशन की बात की हुई है सो so गाइज ये था पूरा पॉइंट जहां पर हमने समझा अपनी नोटिफिकेशन फोर्टीन बाई 2021 को आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है सो so आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बाकी जो नोटिफिकेशन है और जो हमारे एनालिसिस है सेक्शंस का इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो सो गाइज दैस ऑल फॉर टूडे होप सो यू फाइन दू इमेटिव थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन हैव अ ग्रेट टाइम बाय बाय टेक केयर हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए